बिना घी तेल या चीनी के आज हम बनाएंगे एक हेल्दी और डिलीशियस हाई प्रोटीन लड्डू, वो भी 10 मिनट में। एक पैन में हम डालेंगे रॉ पीनट्स और इसको हम रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कच्ची पीनट्स नहीं लें वरना खाते वक्त वो आपके दांतों में चिपकेंगी। आप देखें 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब आप इसे निकालें एक बोल में और इसको 2 से 3 मिनट तक आप ठंडा होने दें। अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स ले रहे हैं तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हल्का ठंडा करने के बाद मैं इसकी स्किन उतारूंगी। आप चाहें तो अपने हाथ से कर सकते हैं या किसी कपड़े में डाल के इन पीनट्स को रब करके भी इनकी स्किन निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं। इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और हमें इसे पीसना है पल्स मोड पे। तो आप इसे 7 से 8 बार पल्स मोड पे पीसें। आप देखें इस पॉइंट पे अगर मैं आपको मिक्सर दिखाऊं तो ये थोड़ा ड्राई है, बट हम इसे थोड़ा और पीसेंगे ताकि जो पीनट्स का नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ हो। अब अगर इस पॉइंट पे आप देखें ये थोड़ा स्टिकी हो गया है और पीनट्स ने अपना ऑयल रिलीज़ किया है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर। आप रेगुलर गुड़ को भी छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं। इसी के साथ आप डालें इलायची पाउडर और रोस्टेड सेसमे सीड्स। मुझे सेसमे सीड्स बहुत पसंद हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बादाम या काजू भी अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जो पीनट बिल्कुल नीचे है मिक्सर में वो थोड़ी ज़्यादा ग्राइंड हो। तो अब हम इसको फिर से पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे 6 से 7 बार। अब अगर मैं आपको ये मिक्सर दिखाऊं, ये इस पॉइंट पे थोड़ा ड्राई है, तो आप सबको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ अगर आप देखें तो हम इसके लड्डू नहीं फॉर्म कर पाएंगे क्योंकि ये अभी भी थोड़ा ड्राई है, तो हम इसको 3 से 4 बार और ग्राइंड करेंगे। अब अगर आप देखें ये जो हमारा मिक्सर है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी स्टिकी हो गया है, तो हमें इसमें घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना इसके ही आप बहुत आसानी से लड्डू बना पाएंगे। अब आप इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में। अब जितने बड़े या छोटे आपको ये हेल्दी पीनट लड्डूज बनाने हैं उतना आप इसका साइज़ दें। अगर आपको लगता है आपका मिक्सर थोड़ा ज़्यादा ड्राई है या बनाते बनाते अगर ड्राई हो जाता है तो आप थोड़ा सा घी गरम करके इसमें डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ रही। तो लीजिए आपके बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस पीनट लड्डूज़ बनके तैयार हैं। ये बिल्कुल आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आप चाहते हैं ऐसी और रेसिपीज़ मैं आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।